चलिए आज का हमारा विषय है क्या, भारत के वर्तमान। तो भारत के वर्तमान में सबसे पहला नाम आता है देश के राष्ट्रपति जी का। तो देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई, ठीक है, देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। इनका शपथ ग्रहण जो हुआ था आपको 25 जुलाई 2022 को, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर टू में आते हैं उपराष्ट्रपति। पता है ये उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, और इनका, हाँ ठीक है, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हो गया और ये देश के उपराष्ट्रपति के तौर पे, ठीक है, 14वीं इनका स्थान है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति 15वीं और उपराष्ट्रपति का स्थान जो है 14वीं स्थान है। इनका शपथ ग्रहण जो आता हाल ही में 11 अगस्त 2022 को इनका शपथ ग्रहण हुआ, ठीक है। नंबर थ्री प्रधानमंत्री, ठीक है, चलिए इनके बारे में तो सभी को पता होगा, क्या नाम है इनका, नाम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये देश के 14वें प्रधानमंत्री बने, ठीक है, ये देश के 14वें प्रधानमंत्री बने, 14वें प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और इनका जो पहला शपथ ग्रहण हुआ था आपको 26 मई, याद रखिएगा, 26 मई 2014 को, और दूसरी बार जो ये शपथ ग्रहण लिए थे आपको 23 मई 2019 को, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। पहला शपथ ग्रहण कब हुआ था इनका, तो 26 मई 2014 को, और दूसरा शपथ ग्रहण हुआ था 30 मई 2019 को, ठीक है। चलिए अब आता है नाम गृह मंत्री जी का। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। ठीक है, रक्षा मंत्री का नाम बताइए, राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह, ठीक है। क्या क्या पढ़े हम लोग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनका स्थान है 15वीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जिनका स्थान है 14वीं, उपराष्ट्रपति के तौर पे ये शपथ ग्रहण का हुआ 11 अगस्त 2022 को, प्रधानमंत्री हमारे कौन है, तो नरेंद्र मोदी जिन जो कि 14वें देश के प्रधानमंत्री चुने गए, और इनका ये दो बार शपथ ग्रहण इनका हो चुका है, 26 मई 2014 को, और दूसरा शपथ ग्रहण कब हुआ था, 30 मई 2019 को। गृह मंत्री को का क्या नाम है, अमित शाह, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है, नोट कर लिए इसको। चलिए अब आता है शिक्षा मंत्री जी का नाम। शिक्षा मंत्री कौन है, अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, शिक्षा मंत्री का क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान। अब वित्त मंत्री, ठीक है, क्या नाम है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए अब आता है किनका नाम, रेल मंत्री का, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, चलिए अब खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। गुड, बहुत अच्छा, खेल मंत्री का क्या नाम है, अनुराग ठाकुर। ठीक है, एक आता है नाम सड़क परिवहन, पीयूष
सड़क परिवहन नितिन गडकरी, नितिन गडकरी इनका एक और ना, इनको इस नाम से भी जानते हैं, नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या हो गया, नितिन जयराम गडकरी जी, ठीक है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर ठीक है। ये इतना ना आप लोगों को याद करके आना है, याद हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है, ठीक है।